नमस्कार, मैं निशा। आप देख रहे हैं बिग न्यूज़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बांका जिले के धौरैया थाना क्षेत्र में एसडीएम मनोज कुमार चौधरी के निर्देश पर सरकारी जमीन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर राजीव कुमार यादव के घरों को तोड़ा गया। गुरुवार को जेसीबी के घरों से ध्वस्त किया गया। इस दौरान धौरैया सिंहसनाथ तिवारी, बांका डीएसपी ओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, थाना प्रभारी महेश्वर प्रसाद राय तथा सड़क निर्माण इंजीनियर राजकुमार के साथ महिला व पुरुष बल भी मौजूद थे। सिंहसनाथ तिवारी ने बताया कि राजीव कुमार यादव को पहले लिखित और मौखिक सूचना दिया गया था। इसको लेकर कई बार जिला प्रशासन के द्वारा नोटिस भी दिया गया था। इन्हें सभी जगह को खाली करने को कहा गया था, पर मामले को अनसुना करने के बाद एसडीएम के निर्देश पर गुरुवार को घरों को ध्वस्त कर दिया गया। बांका जिले के शंभुगंज थाना क्षेत्र के भूमिहारा गांव में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान नशे में धुत एक युवक द्वारा देसी कट्टा लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। उक्त गांव में सरकारी विद्यालय में गांव के युवाओं द्वारा सरस्वती प्रतिमा स्थापित किया गया था। बुधवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे की धुन पर युवा थिरक रहे थे। वहाँ काफी तादाद में पुरुष, महिलाओं के साथ बच्चे भी मौजूद थे। इसी क्रम में कुछ मंचलों ने अश्लील भोजपुरी गीत बजाने शुरू कर दिए। यह सुन नशे में धुत एक युवक ने हाथों में देसी कट्टा लहराते हुए डांस ही नहीं किया, बल्कि कई मर्तबे हवाई फायरिंग भी करना शुरू कर दिया, जिससे मूर्ति विसर्जन में अफरा तफरी मच गई। इसके बावजूद भी युवक अपने धुन में हाथों में कट्टा लहराते रहे। लोगों में भय और दहशत पैदा हो गया। अंत में कुछ बुद्धिजीवियों ने युवक को काबू किया, लेकिन इस बीच मनचले युवक के इस करतूत की वीडियो किसी ने तेजी से वायरल कर दिया। क्षेत्र में यह बात चर्चा का विषय बना रहा है। चर्चा यह भी रहा कि सरस्वती पूजा के पूर्व पुलिस प्रशासन ने पूजा शांति से मनाने, डीजे व अश्लील गीत नहीं बजाने, नशा सेवन नहीं करने पर सख्त पाबंदी लगाई थी। इसके लिए प्रशासन ने थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की आयोजित किया था। इसके बावजूद भी सभी नियम कानून की धज्जियां उड़ गई। भूमिहारा गांव में युवक द्वारा खुलेआम देशी कट्टा से फायरिंग करने में यदि चूक होती तो अप्रिय घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बाबत थानाध्यक्ष उमेश प्रसाद ने बताया कि वीडियो वायरल की गंभीरता से जाँच की जाएगी और पहचान कर दोषी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बांका जिले के बाराहाट थाना क्षेत्र में एक ऑटो के अनियंत्रित होकर पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज बाराहाट अस्पताल में चल रहा है। मृतक की पहचान चुटिया गांव निवासी 48 वर्षीय जगदीश दास के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका सदर अस्पताल भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार एक ही ऑटो पर आधा दर्जन लोग सवार होकर बांका आ रहे थे। इसी दौरान कैपुरा के पास चालक ने ऑटो से अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे ऑटो पलट गई, जिस पर सवार चार लोग घायल हो गए। वहीं जगदीश दास की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से बाराहाट अस्पताल लाया गया। घायलों में 40 वर्षीय भूमन दास, 58 वर्षीय वीना देवी और 18 वर्षीय लालू कुमार का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से ऑटो को जब्त कर लिया है। साथ ही सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका सदर अस्पताल भेज दिया गया है। बाराहाट थानाध्यक्ष शंकर दयाल ने बताया कि मौके से ऑटो चालक फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ऑटो मालिक का भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस से मिले आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है। पूरे बिहार के साथ बांका जिले के 33 केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा जारी है। इस परीक्षा में कुल 31,883 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इनमें 16,054 एवं 15,829 छात्राएं शामिल है। परीक्षा दो पालियों में हो रही है।
पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक और दूसरी पाली दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक है। मैट्रिक परीक्षा के निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण आयोजन के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई है। जिला प्रशासन का आदेश है कि परीक्षा केंद्रों पर COVID-19 से जुड़ी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जाए। परीक्षा को कदाचार मुक्त रखने के लिए भी प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक उपाय किए गए हैं। केंद्र अधीक्षकों को इस संबंध में कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मैट्रिक की परीक्षा पर निगरानी रखने के लिए लगभग सभी केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। परीक्षा संचालन की पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। परीक्षा केंद्रों के बाहरी हिस्से में चलने वाली गतिविधियां का भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभिभावकों से निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण मैट्रिक परीक्षा संपन्न कराने में सहयोग का आह्वान जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। अमरपुर थाना क्षेत्र के कौशलपुर गांव से एक लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर पीड़ित लड़की के माता पिता ने थाना में लिखित आवेदन देकर पुत्री की बरामदगी का गुहार लगाई है। मौके पर लड़की के पिता ने बताया कि घर में पुत्री की शादी की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच अचानक पुत्री लापता हो गई। पुत्री की हर जगह तलाश किया लेकिन पुत्री का कहीं पता नहीं चला। पुत्री की लापता होने के बाद जब घर की तलाशी ली तो घर से 20,000 नकदी व जेवर गायब हो चुकी थी। वहीं पीड़ित परिवार ने थाने में लिखित आवेदन देकर पुत्री की बरामदगी का गुहार लगाई है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है। कुमार मंडल, इधर नाम चांदनी कुमार। उम्र? उम्र सर मैंने कि आधार कार्ड पर उम्र नहीं पूरी है सर। नाबालिग है? जी हाँ, 17 साल। कब से लापता? कल मैंने कि 2:20 से लापता है। किसी पर शक आपको? शक तो सर नहीं जाए अभी। हमारा जकरा शक ले सर आई जाए। थाना में आवेदन दे दिए? थाना में आवेदन नहीं लिया। बोला कि आप देख जाकर देख के। क्या वो बेटी है आपको? 3 लड़की 1 लड़का। ये बड़ी लड़की थी? हाँ। आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं सर। घर कहाँ हुआ? कौशलपुर। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के मकदुम्मा गांव के समीप हुई सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी युवक को इलाज के लिए स्थानीय रेफर अस्पताल अमरपुर लाया गया, जहां डॉक्टर नवल किशोर शाह के द्वारा झरना गांव निवासी जख्मी मुन्ना टुडू का प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायगंज भागलपुर रेफर कर दिया। अस्पताल परिसर में जख्मी ने बताया कि मकदुम्मा गांव से साइकिल पर सवार होकर अपने घर आ रहे थे, तभी पीछे से आ रहे एक पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी। मौके पर साइकिल सवार बुरी तरह से जख्मी हो गया। हालांकि मौके से पिकअप चालक अपनी वाहन लेकर फरार होने में कामयाब हो गया। वहीं जख्मी का प्राथमिक उपचार कर रहे डॉक्टरों ने जख्मी की स्थिति चिंताजनक बताई है। बताते चले आए दिन अमरपुर क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, फिर भी वाहन चालक एवं आम लोग नहीं संभल रहे हैं, जिस कारण आए दिन आम वाहन चालक सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। पंचवारा धोरैया मुख्य मार्ग में पंचवारा महादलित टोले के समीप मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे युवकों की टोली में बुधवार को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 बच्चे घायल हो गए। घायलों को आनंद फानन में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पंचवारा लाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल पंचवारा महादली टोला निवासी जठरू दास के 9 वर्षीय पुत्र गौरव कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मायगंज रेफर कर दिया। वहीं एक अन्य घायल महादली टोला निवासी पवन दास के पुत्र छोटू कुमार को मामूली चोट आई है, जिसका उपचार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पंचवारा में कराया गया। वहीं पंचवारा अस्पताल में एम्बुलेंस को उपलब्ध नहीं रहने के कारण बाराहाट से एम्बुलेंस मंगवाया गया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।